हेलो वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो एक्सेल की है और एक्सेल में एक शॉर्टकट की के बारे में बात करेंगे। जैसे सपोज कीजिए आप हैं यहाँ पर, ठीक है, कोई ऐसी शॉर्टकट की है क्या जिसकी मदद से, जैसे मान लीजिए अभी आप C3 में हैं, मैं इसे एक येलो कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए ये C3 में आप हैं अभी, और अगर आपको मान लीजिए E3, F3 या F7, F8 या कहीं भी जाना हो तो आप शॉर्टकट की मदद से जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको कीबोर्ड से क्या प्रेस करना है, F5 बटन प्रेस करना है, फंक्शन बटन, ठीक है। और मान लीजिए कि आपको जाना है F9 में, तो यहां पर मैंने टाइप किया F9, देख सकते हैं आप, और एंटर प्रेस किया, आ गए हम F9 में। मैं इसे भी येलो कलर से हाईलाइट करता हूं, आपको ये दिखाई पड़ेगा F9 में आ गए। अब सपोज कीजिए फिर कीबोर्ड से F5 की प्रेस किया, अब मान लीजिए हमें जाना है D5 में, तो ये D5 टाइप किया और एंटर प्रेस किया, तो अभी आप आ गए हैं D5 में। मैं इसे भी येलो कलर से कर देता हूँ हाईलाइट, देख सकते हैं, इजी ट्रिक है। आप इसी तरह से C1 C2 पे भी जा सकते हैं, आप अगर कीबोर्ड का यूज कर रहे हैं तो उसमें कीबोर्ड में, अभी देखिए मैं C1 पे हूँ, ठीक है, मैं इसे रीनेम कर देता हूँ। लाइक यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको रीनेम का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ सूरज, ठीक है, 1 कर देता हूँ। तो ये सीट नंबर 1 हो गई आपकी, और अगर सीट नंबर 2 पे जाना है आपको तो यहाँ पर आकर के, और इसे भी मैं रीनेम कर देता हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ कुछ इस तरीके से, यहाँ पर जाकर के राइट क्लिक करेंगे और ये देखिए यहाँ पे रीनेम पे जाएंगे और इसे कर देता हूँ सूरज 2। तो ये दो शीट्स आपको दिखाई पड़ेंगी। अगर आप और भी ज्यादा शीट्स लाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके, और फिर यहाँ पर भी नेम आप चेंज कर सकते हैं लाइक दिस, जैसे मैंने पहले किया, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ सूरज 3। इसी तरह से और भी लेके आप आ जाइएगा अगर आपको जरूरत है तो। अब एंटर प्रेस करता हूँ, ये तो हो गया शीट, अब इसमें जाएंगे कैसे हम, क्या शॉर्टकट की यूज करेंगे। कंट्रोल के साथ ये बटन प्रेस करना है आपको, कंट्रोल पेज डाउन, तो ये देखिए पेज डाउन, यानी कि हम देखिए ये देखिए ये पेज शीट 1 पे आ गए। अगर पेज डाउन करता हूं मैं तो ये देखिए शीट 2 शीट 3, फिर पेज डाउन किया तो अभी तो कोई शीट ओपन नहीं है, तो यहाँ पे देखिए ये पेज शीट 2 आ गया, फिर शीट 1 आ गया। अगर मैं अप करता हूँ तो ये पीछे चला जाएगा, और अगर मैं डाउन करता हूँ तो ये आगे आता चला जाएगा, ठीक है।